हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लेक्चर नंबर टू है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2021 में आने वाले प्रश्न आपको दिखने को मिलेंगे इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में लेक्चर वन में भी ऑलरेडी मैंने ट्वेंटी फाइव डिस्कस किए हैं अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले जाके देखें और ये आपका लेक्चर नंबर टू है और इस पी uh, डी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिनको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लेंगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल टर्न से कहता है, है कार्यशील पूंजी की बात करें तो वो क्या होता है तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस इयर्स इज ए वर्टिकल एनालिसिस ए बी हॉरिजेंटल एनालिसिस सी है फॉर्म कम्पेरिजन एंड डी है नन कहता है कि जो भी चेंजेस होते हैं फाइनेंशियल वेरिएबल में वह वे क्रॉस कितने सालों तक होते हैं अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो उसको हम किस में देखते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस में इसलिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स इन अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बी है कैपिटल गियरिंग एंड सी है सॉल्वेंसी रेशियो एंड कांट बी सेम जो हम नेट प्रॉफ़िट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम निकालते हैं तीन तरह का आपका होता है चार तरह की रेशियो तो ये पूछता है जो हम ये रेशियो निकालते हैं नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स वो किस में निकालते हैं तो ये निकालते हैं हम ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेक्स्ट है द स्टेटिकल याडिस्टिक दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स ए ऑपरेटिंग करंट रेशियो द अकाउंटिंग रेशियो एंड इनपुट आउटपुट रेशियो एंड डी नन कहता है कोई भी एक स्टैटिकल चीज़ है जो हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है किसी दो अकाउंटिंग फिगर में तो उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो इसके लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो इज़ अ लिक्विडिटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो प्रॉफिबिलिटी रेशियो की डी नन डेप्ट इक्विटी रेशियो जो हम निकालते हैं वो किस तरह का रेशियो uh, है तो वो कैसा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्न ओवर रेशियो हैज़ द मैनेजमेंट इन मैनेजिंग रिसोर्सेज मैनेजिंग डेबिट सी है परफॉर्मेंस जो टर्न ओवर रेशियो होता है वो मैनेजमेंट को प्रबंधक को क्या हेल्प करता है कि परफॉर्मेंस को एवलेट करने में हेल्प करता है इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा एवेलेटिंग द परफॉर्मेंस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय ए करंट रेशियो बी डेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो सी है नेट प्रॉफिट रेशियो तो लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें हम सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं और जो लॉन्ग टर्म रेशियो होते हैं उसे हम बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो इसी ए इंडिकेट होता है नेक्स्ट आर द थ्री मोस्ट यूजफुल जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मैनेजमेंट आर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन और सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ठीक और डी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट सबसे कहता है कि थ्री सबसे यूजफुल जर्नल पर्पज क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मैन प्रबंधक के लिए तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बैलेंस शीट बनाना और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन में वो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड सी है बैलेंस शीट नन ऑफ द अबर तो अगर कोई कंपनी है और लिमिटेड कोई प्राइवेट कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंक्लूड करता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी हम उसमें बनाते हैं द टर्म करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड्स ए पेमेंट्स इन एडवांस बी है बिल रिसिवेबल सी है लॉन्ग टर्म डेफर्ट चार्जेस एंड ई डी है नन जो करंट एसेट्स क्या होता है करंट एसेट्स की क्या करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इसका आइडियल करंट रेशियो क्या होता है टू इस टू वन होता है जो करंट एसेट्स है वो क्या इंक्लूड करता है लॉन्ग टर्म डेफॉल्ट चार्जेस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड फैक्ट ए है मार्केटेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी है डेटर्स सी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड डी है नॉन ऑफ तो फॉलोइंग इसमें से कौन सा जो है हम रिकॉर्डेड फैक्ट है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेटर्स को ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Next, the term fixed assets includes a stock in trade, b furniture, c have payments in advance, and d none. अगर हमने क्या किया जो है जो परचेस वैल्यू है एसेट्स की जो उसकी सर्विस की लाइफ भी दी गई है तो उसको हम किस तरह से कैटराइज करेंगे तो उसको हम कैटराइज करेंगे जैसे डेप्रीशियेशन हम निकालते हैं कि हमने मशीनरी इतनी की पाँच साल मैंने तो वही कह रहा है सर्विसबल लाइफ तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डेप्रिशिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड बैलेंसी जाएगा आई होप यू आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा उसे जाकर देख लीजिएगा एंड आई होप यू आप लोग समझ में आएगा ओके थैंक यू